इसीलिए लोकतंत्र में कोई टक्कर ना टक्कर की बात नहीं है, ये तो वही लोग बात करते हैं टक्कर मेरी उससे या मेरी टक्कर में कोई नहीं है, जिनमें मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल सोच थोड़ी कम होगी। नगर निगम में आपकी ज़्यादा एंट्री नहीं है, ज़्यादा आप उसमें करते नहीं हैं, इंटरफेयर करें, लेकिन दूसरे नेता जो हैं मतलब कोई इधर खींच कोई इधर खींच, ऐसे ऐसे अकल्पनीय काम जो कभी किसी नेता की खोपड़ी में भी नहीं आए वो काम हम लोगों ने निपटा दिए। कभी मलाल नहीं होता कि पार्टी मंत्री पद हाथ में आते आते रह गया, कहीं और बड़े महत्वपूर्ण पद हाथ में आते रह गए, कोई मलाल होता है इस चीज़? हम कोई वैसे नेता नहीं है क्या, हम लोग चुनाव अगर बरसाती मिंडक की तरह निकल के आ गए। मैं आज भी अपने विधानसभा को 8 से ज़्यादा बार कवर कर चुका हूँ, 8 बार से भी ज़्यादा बार। जीतने के बाद कोई MLA बन गया, मंत्री बन गया, उन वोटरों से उनको बदबू आने लग जाती है कि मतलब जिन्होंने उनको जिताया हो अब मिलते नहीं। ये सारे के सारे जो बदमाश आ रहे हैं ना सेवा के नाम पर ठगी मारने के लिए, ये ठगी का पैसा है इनके पास, इसलिए जो भी कोई तुम्हारी सेवा करे तो आओ और इनकी सेवा ले लो। BJP और JJP जो है इकट्ठे जा रहे हैं या अलग अलग जो है चुनाव लड़ेंगे, कोई पार्टी में इस तरह की सुख बुवाट होती है? पहले ये फतूर आ जाए कि भाई मैं तो बन गया और बनने के बाद अब लोग तो वोट देते ही हैं, दे ही देंगे ये वो, ऐसे लोग बहुत लंबे नहीं चला करते कभी भी, लोग तो वोट देते ही हैं, दे ही देंगे ये वो, ऐसे लोग बहुत लंबे नहीं चला करते कभी भी। वैसे पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह, ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा हमारे साथ है। और मैं पहले भी जिक्र करता हूं कि अनिल विज के बाद कोई दरबार लगाता है तो पूरे 90 हलके में सिर्फ जो है अनिल विज के बाद महिपाल ढांडा जाते हैं और लगातार वीरवार जो है इनका दरबार लगता है। पहले इनके ऑफिस में लगता था, अब जो है रेस्ट हाउस में लगता है। ढांडा साहब, शुरुआत यहीं से करता हूँ कि दरबार लगा रहे हैं आप लगातार, लोगों की अपेक्षाएँ हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा भी उतरते हैं क्योंकि आपसे लोगों की उम्मीदें हैं इसलिए पहुँचते हैं, क्या लोगों की बेसिक क्या दिक्कतें आती हैं जो आपके दरबार में पहुंचते हैं? देखिए पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं जब 2014 में पहली बार विधायक बना था तो बनने के बाद जो नेक्स्ट वीरवार आया था मैंने उसी दिन से अपना खुला दरबार शुरू किया है। आज 9 साल हो गए मुझे खुला दरबार लगाते हुए, इसलिए किसी के बाद और किसी के पहले का प्रश्न नहीं है। मैं जब बना तो मैंने बनते ही अपने खुले दरबार लगाने शुरू किए। देखिए खुले दरबार में आदमी को ये पता होता है कि आज हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठेगा, बैठ के हमारी जो समस्या होगी समस्याओं को सुनेगा, अदरवाइज़ तो मिलते तो हम लोग हर रोज़ ही हैं, मगर एक सामूहिक रूप से सबसे मिलना जिसमें कोई आदमी ये ना कहे कि जी मिले नहीं, मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया। कई बार हम लोगों को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, कुछ लोगों से मिलना होता है, कुछ लोगों को नहीं मिलना होता, मगर एक दिन हम पूरा दिन जनता की सेवा में पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। इसी भाव से मैंने MLA बनते 2014 में ये अभियान अपना शुरू किया था जो आज तक जारी है। इसमें सब तरह की समस्याएं आती हैं, जिसमें कुछ पर्सनल समस्याएं भी लोगों की होती हैं, कुछ सामूहिक समस्या भी लोगों की होती हैं, कुछ दूसरे तरह के पंचायती तौर पर जितने भी प्रकार के फैसले होते हैं उन फैसलों को लेकर भी लोग आते हैं। और मैं कहता हूँ कि भाई बड़ी संख्या में उनका निराकरण भी होता है, निराकरण होता है तभी तो हज़ारों की संख्या में लोग, आपने खुद ही देखा है, मैं अगर छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएंगी कि इतने बड़े जन समर्थन के साथ लोग अपनी समस्याओं को लेकर हमारे साथ आते हैं, उनका निराकरण होता है तभी वो लोग पहुँच पाते हैं। अच्छा, इसीलिए सभी कहते हैं कि महिपाल का जो ग्रामीण में किला जो है कोई ढहा नहीं सकता, ढहा इसलिए नहीं सकता क्योंकि पूरी जब से आप राजनीति में, अब जो जैसे वीरवार का जिक्र कर रहे हैं, तब से आप लगातार दरबार लगा रहे हैं और जनता को चाहिए ही कि हमारा नेता जो हमारे बीच में हमारी बात सुने। लगता है कि मतलब अगर टक्कर देने वाला महिपाल को है या किससे आप मानते हो कि इस बारी किससे जो है अपना आमना सामना होगा? देखिए कुलवंत जी, मैं इस तरह के चक्करों में कभी नहीं पड़ता, अपना काम है नेकी कर दरिया में डाल। मैं ना तो किसी के इस चक्कर में पड़ता कि मेरी किसी से टक्कर हो या मुझे किसी की टक्कर में आना है, ये तो जनता का फैसला है। लोकतंत्र, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार है, वो उसी व्यक्ति को लोग अपना वोट देंगे जो उसके जनहित के काम करता होगा, जो उनकी सेवा में लगा रहता होगा, जिनको लगता है कि भाई ये हमारे लिए उपयुक्त है, तो उसी को चुनेंगे, उसी को बनाएंगे। इसीलिए लोकतंत्र में कोई टक्कर ना टक्कर की बात नहीं है, ये तो वही लोग बात करते हैं टक्कर मेरी उससे या मेरी टक्कर में कोई नहीं है, जिनमें मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल सोच थोड़ी कम होगी या ढीली होगी, हम लोगों का ये मतलब नहीं है। हम लोगों तो सही मायने में, मेरे परिवार ने मुझे राजनीति में एक सेवा करने के लिए छोड़ा हुआ है, बस मुझे ये डर है कि मेरे घर वाले नहीं है किसी दिन, मेरे भाई मुझे ये नहीं कह दें कि यार तूने सेवा में कहीं कोई चूक छोड़ दी,
मुझे डर भी उन्हीं से लगता है, वही मेरी पिटाई कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो इसलिए उन्होंने, वो अपना बिजनेस करते हैं, वो अपना काम पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करते हैं। मुझे भी कहा हुआ है कि आपने जो काम करना पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना, इसलिए क्योंकि मेरा शौक था, मेरा भाव था कि मुझे सेवा करनी राजनीति में, इसलिए मैंने अपना फील्ड खुद चुना है। और जब मैंने अपना फील्ड खुद चुना है तो मैं अपने फील्ड में अच्छा काम करूं, यही मेरे परिवार के लोग मुझे सीख भी देते हैं और मुझे गाइड भी करते हैं। अच्छा, कई बार भाभी नाराज नहीं होती, मतलब कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कहाँ, घर पे टाइम नहीं देता महिपाल, कभी ऐसी बात नहीं होती आप दोनों में भी थोड़ा टाइम जो है दिया करो? नहीं, टाइम जितना होना है वो पूरा है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अकेला नहीं इस मैदान में आया था सेवा करने के लिए, सारा परिवार ही लगा हुआ है। अब मेरे बड़े भाई दोनों बिजनेस करते हैं, मगर मैं उनको भी लगा के रखता हूँ। खैर, बीच वाले ब्रदर तो मेरे कभी नहीं जाते, मगर पाल भाई सब तो जब मेरी एब्सेंस होती तो सारा काम लोगों के बीच में आने जाने का काम वही करते हैं। ये भी सही है कि मेरे भाई कभी किसी अधिकारी और कर्मचारी को फ़ोन नहीं करते, आज तक नहीं कभी किया। विधायक तो सिर्फ एक ही है, वो है महिपाल ढांडा, मगर लोगों की आवागमन में लोग आए हैं, कोई उनकी बात है तो मेरे जो स्टाफ के लोग हैं उनसे कह के उनके कामों को करवाना, मुझसे कह के मुझे जैसे करवाना, वो उस काम में दखलंदाजी कभी नहीं करते। मगर लोग आएँ जाएँ, उनका मान सम्मान हो, उनको उनकी बात को सुना जाए, मेरी अब्सेंस में भी वो सुनते हैं। अच्छा, एक चीज़ इन 9 सालों में एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि नगर निगम में आपकी ज़्यादा एंट्री नहीं है, ज़्यादा आप उसमें करते नहीं हैं, इंटरफेयर करें, लेकिन दूसरे नेता जो हैं, मतलब कोई इधर खींच, कोई उधर खींच, वो राजनीति कैसी कैसे मानते हो इस चीज़ को? अफसर काम नहीं करते, या आपकी नज़र कैसी है? 9 साल आपने अफसरों के साथ काम भी किया है, ये काम करते भी हैं कि वैसे इनको निकम्मा बता दिया जाता है? मुझे एक बात बताइए कुलवंत जी, वो बोलते ना, हाथ कंगन को अरसी का और पढ़े लिखे को फरसी का। 2014 से पहले हमारी कॉलोनियों का क्या हाल था, हमारे गाँव का क्या हाल था? किसी गाँव में कोई चौपाल नहीं, किसी गाँव में कोई सड़क नहीं, किसी गाँव में कोई फिरनी नहीं, किसी गाँव में कोई सड़क नहीं, किसी भी गाँव का कोई भी काम नहीं हुआ था, कॉलोनियों के अंदर कोई काम नहीं हुआ था, कॉलोनियों में किसी भी तरह की कोई उनको सुविधा नहीं थी, सब लोग नरक में जीवन जी रहे थे। आप एक बात बताइए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारी की सारी कॉलोनियों को वैध कराना, वैध करा के पक्का कराना, पक्का करा के सीवर और पीने के पानी की पाइपलाइन डालना, एसटीपी डालना, कॉलेजेस बनाना, आईटीआईज बनाना, हर गांव को डेवलपमेंट के नए आयाम तक लेके जाना, कि कोई काम हमने छोड़ा नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत काम बचा तो उस काम को हम लोग करने लग रहे हैं। अभी हम लोगों ने कोई काम बचा नहीं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो लोग ये कहते हैं जिन्होंने कभी अपने टाइम में कुछ नहीं किया, जो कर नहीं पाए, जो असफल रहे, जिन्होंने जनता की भावनाओं के साथ बलात्कार किया, वो लोग हमसे कहते हैं कि भाई आपके यहाँ पे कुछ काम नहीं रहा। जिस व्यक्ति ने, जिस दल ने, जिस सरकार ने सारा काम कर दिया, कुछ काम छोड़ा नहीं है, जिसके कार्यकर्ता पार्टी के दिन रात मेहनत करके अपने पार्टी को भी संभालते हैं, अपने कामों को भी संभालते हैं, उस दल के कार्यकर्ता के बारे में ये कहना कि देखो भी काम होता है कि नहीं होता है, ये बड़ी अद्भुत सी बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये कि भाई ये कहना कि अफसर काम नहीं करते, मुझे एक बात बताइए, अफसर तब काम नहीं करते थे जब कुछ नहीं हुआ, या अब काम नहीं करते जब कुछ सब कुछ हो रहा है? सब कुछ होने के बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि कोई काम नहीं करता, और जब कुछ नहीं होता था तब कहते थे कोई काम नहीं हो रहा है। तब बजट भी कहाँ जाते थे? बजट तो तब भी आते थे, तो बजट कहाँ पे जाते थे, कहाँ लगते थे, कौन उस बजट का दुरुपयोग करता था, कौन से अधिकारी उस बजट का दुरुपयोग करते थे, कौन नेता उसमें शामिल थे, वो अपने अंदर गिरेबान में झाके देखें। हमारे यहाँ तो देखो भाई, पानीपत ग्रामीण में हम जो भी करते हैं, हमारे तो सारे काम होते हैं, 100% काम होते हैं, 100% सामूहिक काम हमने कोई छोड़े नहीं है। ऐसे ऐसे अकल्पनीय काम जो कभी किसी नेता की खोपड़ी में भी नहीं आए, वो काम हम लोगों ने निपटा दिए। हम कोई वैसे नेता नहीं है कि हम लोग चुनाव आ गए और बरसाती मिंडक की तरह निकल के आ गए। मैं आज भी अपने विधानसभा को 8 से ज़्यादा बार कवर कर चुका हूँ, 8 बार से भी ज़्यादा बार। शायद ही कोई विधायक ऐसा होगा आज तक का जिसने अपनी विधानसभा को इतनी बार कवर किया हो। और पिछली बार की विधानसभा के बारे में भी अगर मैं जिक्र करूँगा तो गिनती नहीं है मैंने कितनी कितनी बार में गया हूँगा, हर गांव में, हर गली में, हर कार्यकर्ता से मिलना, हर आदमी से मिलना। ये अपने मैंने कहा ना, हम लोग सेवा करने के लिए, इसलिए मैं किसी के इंतज़ार या प्रतीक्षा नहीं करता, मैं बहाने नहीं ढूंढता। अरे भाई मैं अब चुनाव आ गया तो चुनाव में मैंने वोट कैसे लेना है, इसलिए मैं कोई चाकी छोड़ दूँ, लोगों को आटा पीस के दिखाऊँगा मैं सेवादार हूँ, है ना, कोई बस चला देगा कि भाई चलो यहाँ से आदमी बिठाए, बिठा के
पीजीआई तक लेके चले गए। लोग कहेंगे देखो भाई बड़ा सेवादार है, कोई शादी करनी होती किसी बच्ची की शादी आ जाए उसको लालच दे देते हैं कि भाई मैं तेरे को 11,000 रुपये कन्यादान दूंगा, 21 बर्तन दूंगा, 2 साड़ियाँ दे दूंगा, है ना। तो ये जो इस तरह के काम, ये बरसाती मिंडक, अब चुनाव आ गया अभी सब लोग निकल के आएंगे। और मैं तो मेरी विधानसभा के हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि जो इस तरह की सेवादार सेवा करने के लिए आ रहे हैं उनकी सेवा लो, उनकी सेवा लो। अब एक बात बताइए, पिछली बार भी निकल के आए थे सब लोग कि हम तो सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, सब लोग आए, मगर आने के बाद चुनाव के बाद कहाँ गए। अब फिर चुनाव आ रहा है, फिर सब लोग निकल निकल के आए गए। इसलिए मैंने मेरी विधानसभा के हर आदमी को पढ़ाया हुआ है कि भाई ये सारे के सारे जो बदमाश आ रहे हैं ना सेवा के नाम पर ठगी मारने के लिए, ये ठगी का पैसा इनके पास, इसलिए जो भी कोई तुम्हारी सेवा करें तो आओ और इनकी सेवा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ही कहता हूँ उनको ले लो, मैं भेज भी देता हूँ कि जाओ तुम लोग सेवा लेके आओ। मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब आप सीधा साधा जो आपका जवाब है कि जो आ रहा है बटोर लो, और बटोरने की बात, बटोरने का मतलब कि जो आ रहा है उसको लो, 11,000 दे रहा है, 21,000 दे रहा है, ठीक है अच्छी बात है दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं। ये जब सेवा करने के लिए आ रहे हैं तो मैं तो लोगों को कहूंगा कि अगर वो सेवा कर रहे हैं तो लीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है। वो कह रहे हैं ना हम सेवा करने के लिए आए हैं, तो सेवा करने के लिए आए तो एक साल के लिए आए हैं, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक के लिए आए हैं, तो चुनाव के बाद क्यों नहीं आते हैं ये लोग, चुनाव के बाद भी इनको रहना चाहिए, हम तो कभी मैदान नहीं छोड़ते। इसलिए जो आदमी सेवा करना चाह रहा है तो अब तो उसको कहते हैं लोगों को भैया जब ये सेवा करना चाह रहा है तो इसकी सेवा का आनंद लो, इसकी सेवा लीजिए, आपका कहीं काम चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो लोग आपकी कहीं मदद करना चाह रहे तो मदद लेने में हर्ज क्या है, कोई अर्ज नहीं है। मतलब ये चीज़ समझा रखी है कि मतलब ठीक ठाक कर लो, जो आ रहा है कर लो, लेकिन वोट जहाँ पड़ना है वो इशारा आपने दे रखा है। नहीं इशारा नहीं, मैं लोगों के मन की बात को समझता हूँ, लोगों से मैं खुद प्रेम करता हूँ, मैं प्यार नहीं करता प्रेम करता हूँ, और लोग हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई वोट किसको देनी है किसको नहीं देनी है, ना मैं कभी वोट मांगता, मैं आशीर्वाद मांगता हूँ, और मैं सिर्फ आशीर्वाद की बात करता हूँ कि आपका आशीर्वाद उस मेरे साथ है तो मैं उसी आशीर्वाद को ताकत बना के हरियाणा की विधानसभा से आपका अधिकार आपकी गली तक लेकर आता हूँ, मैं लेके आया हूँ। और इसलिए उन लोगों को भरोसा अपने बेटे पे, अपने भाई पे, कि हमारा बेटा हमारा भाई ये कोई गलत काम नहीं करेगा, और 24 घंटे आधी रात को भी मेरे घर के दरवाजे आदमी अगर आता है तो कभी निराश नहीं होकर जाता, हम लोगों को जितना बन पाता है उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के करने का प्रयास करते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी छोटी उम्र से आपने राजनीति शुरू की थी, मतलब अभी ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी, 2 बार विधायक भी आप रह गए, अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, कभी मलाल नहीं होता कि पार्टी मंत्री पद हाथ में आते आते रह गया, कहीं और बड़े महत्वपूर्ण पद हाथ में आते रह गए, कोई मलाल होता है इस चीज़ का? मैंने कभी सोचा नहीं मैं मंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कभी भी नहीं सोचा, और ना मैं कभी किसी के पास गया कि मुझे मंत्री बना दो, ये भी रियलिटी बता रहा हूँ, कभी किसी के पास नहीं गया कि मुझे कोई मंत्री बनाओ या मुझे कोई पद दो, मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं मस्त मौला आदमी हूँ, मुझे सेवा करनी है, सेवा किसी भी तरीके से आप रह के कर सकते हैं, हम अपने लोगों की सेवा करनी है, अपने लोगों की सेवा मेरी माननीय मुख्यमंत्री हैं चाहे कोई मंत्री हैं, मैं किसी के भी पास जाऊँ मुझे कभी किसी के यहाँ से ना नहीं होती, किसी के यहाँ से ना नहीं होती। और अद्भुत बात यह कि मैं मुख्यमंत्री जी को एक बार काम बोलता हूँ तो मुझे दोबारा बोलना भी नहीं पड़ता, लोगों को हो सकता है कहीं कई बार याद दिलाना पड़ता हो, मगर मुझे कभी बोलना नहीं पड़ता दोबारा भी, ना किसी मंत्री को बोलना पड़ता ना मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ता, इसलिए एक बार काम बोलते मेरा बोलते ये सब काम हो जाते, तो इसलिए मुझे कोई चिंता भी नहीं है। और मुझे मंत्री के लिए कभी दिमाग में हम लोग इस तरह की बात भी नहीं लेके आते, ना हमारे मन में कोई इस तरह के मलाल होते मैं मंत्री क्यों नहीं बना, मैं मंत्री बन गया होता तो मैं पता नहीं क्या कर देता। अरे भाई हमने अपने लोगों की सेवा करनी है, कहीं भी है हम लोग अपनी जगह पर सेवा कर रहे हैं, हमें इस तरह के चक्रों में मैं अपना कभी दिमाग लगाता नहीं, और कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि मैंने कभी कोई इस तरह की कोई छोटी छोटी बातें या छोटी चर्चाएं मैं कभी भी नहीं करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैंने देखी है, खासतौर पर जब जीतने के बाद कोई MLA बन गया मंत्री बन गया, उन वोटरों से उनको बदबू आने लग जाती है कि मतलब जिन्होंने उनको जिताया वो अब मिलते नहीं है। एक प्लस पॉइंट मैंने आपका जरूर देखा है, आपकी बाजू पकड़ी किसी ने साइड में ले गया आपके हाथ गले में हाथ डाले यार महिपाल मेरा काम करवा, वो प्लस पॉइंट है। सिनेरियो चेंज हो रहा है, मतलब पब्लिक भी चाह रही है कि हमारे बीच का नेता हो, हमारी बात से सुनने वाला हो और आधी रात को फ़ोन करे फ़ोन उठाने वाला हो, आदि यहाँ तो जो बड़े जो नेता बन जाते फ़ोन भी उठाते अपने पियो को देते भी फ़ोन उठा के आते भी बिजी हैं। देखिए 2-3 तरह की बात है, एक तो बात यह है कि देखो जिसको अगर अपने जिन लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, अगर आशीर्वाद देने वाले लोगों से अगर आपको बदबू आती तो मैं ये कहूँगा कि आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मैं जर्नली एक बात बोल रहा हूँ,
किसी भी नेता के बारे में, मैं भी हूँ तो मैं भी, अगर जिस दिन मुझे ये आलस हो जाएगा कि मैं अब नहीं सेवा करूँगा तो मैं सीधा बोलूँगा मैं अब सेवा नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। तो इसलिए जिसको जो आदमी ने अपना फ्यूचर लगाया इसी चीज़ में, अपना भविष्य लगाया इसलिए है कि मैंने तो करनी ही जनता की सेवा है, तो ये बदबू जैसे शब्द एक तो उनकी डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। दूसरा, लोग आपके पास बहुत उम्मीद करके आते हैं, बहुत भरोसा करके आते हैं, ये सोच के आते हैं कि मेरा अगर कहीं कोई सहारा नहीं मिल पाया किसी अड़चन में किसी मुसीबत में, तो मैं अगर फला राम के पास जाऊंगा तो मुझे मॉरल सपोर्ट भी करेगा, मेरी दूसरे तरह की सपोर्ट भी करेगा और मैं जिस संकट में फंसा हूँ उस संकट से मुझे निकालने में मेरी मदद करेगा। देखिए, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम लोग ऐसे व्यक्ति की मदद ज़रूर करें जो व्यक्ति आपके पास एक बहुत बड़ी आस लेके आया है। इसलिए जिस आदमी के दिमाग में पहले ये फतूर आ जाए कि भाई मैं तो बन गया और बनने के बाद अब लोग तो वोट देते ही हैं, दे ही देंगे ये वो, ऐसे लोग बहुत लंबे नहीं चला करते कभी भी, और हम लोगों तो कभी इस तरह के दिमाग में आते नहीं, हम तो ऐसे ही लगे रहते हैं, चाहे कोई कहीं हाथ पकड़ ले कोई कहीं पैर पकड़ ले। देखो, सब लोग अगर वो इज्जत देते हैं तो हम लोगों का फ़र्ज नहीं कि हम लोग भी उनको इज्जत दें, वो हमसे प्रेम करते हैं हमारा फ़र्ज नहीं कि हम उनसे डबल करके प्रेम दें। ये ठीक है कि भी आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आपकी हेल्थ की समस्याएं आएंगी, आपकी टाइम की प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार मीटिंग्स में हम लोग भी होते हैं हमारे भी पीए फ़ोन उठाते हैं, ऐसा नहीं कि वे हमारे पीए फ़ोन नहीं उठाते, कई बार हम लोगों के अगर 4 घंटे मीटिंग चल जाए तो 4 घंटे हम भी फ़ोन नहीं उठा पाते, हमें भी लोग कहने वाले हो जाते हैं यार मैंने फ़ोन किया था आपने उठाया नहीं, मगर हम लोग उसको बड़े प्यार से कहते हैं देख भाई हमारी मीटिंग थी, या हमारा पीए बताएगा सर अभी तो इस वक्त यहाँ है मीटिंग में, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम जहाँ होते हैं हमारे लोग भी यही बोलेंगे, कभी भी अजमाना हम लोग जहाँ होंगे एग्जैक्ट जगह बोलेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ यहाँ पे बात होगी या नहीं होगी वो भी बता देंगे, अभी 5 मिनट में होंगी 10 मिनट में होंगी, बाहर निकलते मैं ऑलमोस्ट लगभग जितने भी लोग हमें कॉल करते सबको मैं गाड़ी में बैठ के फ़ोन करता हूँ टोटल। इसलिए देखो, जो आपका फील्ड है उस फील्ड के प्रति आप जब तक ईमानदार नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि भाई आप फिर सक्सेस हो जाओगे। इसलिए सेवा करनी है तो सेवा को सेवा के भाव से करो, इसको बोझ मत समझो, बाहर मत समझो, भाई आपने जनता ने आप लोग हाथ जोड़ के उनके बीच में गए थे कि मैं आपकी सेवा करूँगा, तो आज भागो क्यों सेवा करने से? ठीक है आपकी तबीयत अगर ख़राब है तो आप बोलिए ना मेरी तबीयत ख़राब है भाई मैं 2 दिन के लिए रेस्ट पे हूँ 1 दिन के लिए रेस्ट पे हूँ, ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते, सब समझते हैं। इसलिए अगर आपका फील्ड सही मायने में राजनीति के माध्यम से सेवा है तो फिर उस राजनीति को आप अपना अपना धर्म समझ के उसको पूरा करें, उसको सेवा समझ के उसमें लगे रहिए, और सेवा समझ के लगे तो आनंद आएगा, मैं आपको कभी मायूस नज़र नहीं आऊँगा कभी भी। मैं बीमार हूँ तो भी मैं ऐसे मस्ती में काम करता हूँ, मैं ठीक हूँ तो भी मस्ती में काम करता हूँ, नहीं ठीक हूँ तो भी करता हूँ, क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग, क्योंकि देखिए भाई मेरे को अपने काम से प्रेम है, और जिस आदमी को अपने काम से प्रेम होता है फिर वो काम चोर नहीं होता, वो भागता नहीं अपने काम से, वो अपने काम के प्रति लगन मेहनत और दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति के साथ पूरा करने का प्रयास करता है। हम तो इसलिए मस्त मौले होकर अपने काम पर लग रहते हैं, हम इस तरह की फालतू की चीज़ों में सोचते भी नहीं, कभी मस्ती से काम करते हैं, आनंद आता है काम। अच्छा, इससे हटके करें बात, 5 मिनट लूँगा और आपके, JJP भी अपनी जो है बिसात कर रही है, JJP अपनी जो शहरों में भी अब जो कर रही है आगे बढ़ा रही है, आपको लगता है कि अब BJP और JJP जो है इकट्ठे जा रहे हैं या अलग अलग जो है चुनाव लड़ेंगे, कोई पार्टी में इस तरह की सुख बुवाट होती है? देखिए, ये मामला केंद्रीय नेतृत्व का है, अब केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेगा ये तो बात वही जानते हैं। देखो, मैंने कभी आज तक कोई बड़ी बात नहीं की, मगर मुझे ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारा नीचे तक का काम बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, किसी दल के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है जितनी बड़ी ताकत हम लोगों के पास है। आप एक बात बताइए, हमारी पार्टी का मुखिया आपको पता है कौन है? अगर आप कहेंगे कि कौन है तो हमारे मुखिया का, पार्टी का हमारे मुखिया तो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। अब नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 3 साल के लिए चुने जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टर्म और मिल जाती है, 3 साल और मिल जाते हैं, वरना इस पार्टी का कोई मुखिया नहीं, इस पार्टी की एक विचारधारा है, ये विचारधारा वाली पार्टी है और हमारी विचारधारा भारत माता की जय, यानी भारत सब ओर से दुनिया में सबसे आगे निकले, सबसे ताकतवर देश बने और भारत संपन्न प्रदेश बने देश बने, ये हमारा सपना है, ये हमारी विचार है, हम इस विचारधारा के साथ मिलकर काम करते हैं।
बाकी दलों में रमदलों में बड़ा अंतर है। हम लोग कहते हैं कि पहले मेरा देश, फिर मेरी पार्टी और लास्ट में मैं खुद। दूसरे दल कहते हैं पहले मैं, फिर मेरी पार्टी और बाढ़ में जाए देश। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। वो एक मराठी में कहावत है ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो ये तो वो लोग हैं कि भाई एक बार उनका काम बन जाए, एक बार जीत जाए बन जाए, फिर वो कभी नज़र नहीं आएंगे लोगों के बीच में। कभी वो काम की उनको कोई चिंता नहीं है, आएंगे दमकाएंगे, उनको बदबू आएगी, फलाना जो जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे थे, वो सारे काम उन लोगों के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं उनका मुखिया नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए मरता है, अपनी पार्टी के लिए काम करता हूँ, किसी नेता के लिए काम नहीं करता। इसीलिए अब जो दूसरे दल हैं उन दलों में हर एक में मुखिया है। अब गांधी परिवार कांग्रेस के मुखिया हैं, यहाँ हुड्डा जी कांग्रेस के मुखिया हैं, चौटाला जी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, लालू अपनी पार्टी के मुखिया हैं, नीतीश जी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, केजरीवाल जी अपनी पार्टी के मुखिया हैं। क्या उन पार्टियों में, उन दलों में कोई नेता, कोई कार्यकर्ता उनको सामने खड़ा होकर कह सकता मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं देश का मुख्यमंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? कोई कह सकता है क्या? कोई कह नहीं सकता। अगले दिन लात मारेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये जो क्षेत्रीय दल है, इन क्षेत्रियों में दल में काम करने वाले लोग अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी चुन उनके साथ लगा देते हैं, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। मगर वो जो नेता, वो कब किस नेता को किस वक्त लात मार के बाहर कर दें, कब वो उनके मन से उतर जाएँ, उसका तो सारी ज़िंदगी, उसका सारा करियर चौपट कर देते हैं। इसलिए कई शाने समझदार आदमी बोलते हैं कि भाई ये जो इन दलों में, क्षेत्रीय दलों में जो लोग काम करते हैं ना, वो साझी बन के काम करते हैं, साझी बन के। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए संसद वाले मामले में। हाँ, तो साझी हैं वो, अपना काम बचाने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए वहाँ के कार्यकर्ता बेचारे साझीपणा ही कर रहे हैं। हमारे दल में साझीपणा नहीं करता कार्यकर्ता, हमारे दल में शान से जीता है। हमारे किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पूछ लेना, वह कहेगा मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, ये पार्टी मेरी माँ है। हर बड़े से बड़ा नेता, माननीय मोदी जी से लेके, अमित शाह जी से लेके, नड्डा जी से लेके, और हमारा जो बूथ का पन्ना प्रमुख, वो भी बोलेगा ये पार्टी मेरी माँ है, मैं अपनी पार्टी के लिए काम करता हूँ। दूसरे दलों में कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, ये बोलेगा मैं चौटाला जी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं लालू जी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं गांधी जी के लिए काम कर रहा हूँ। वो उनसे बाहर नहीं निकलते, इसलिए वो उनकी जो गुलामी वाली मानसिकता है ना, उस गुलामी वाली मानसिकता के कारण लोगों में अपने अपने स्वार्थ जाग जाते हैं, और उन स्वार्थों के कारण कभी भी ना देश का भला होता ना प्रदेश का भला होता। जब से हमारी गवर्नमेंट आई, हमने कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें देश का अहित होता हो। देश की शान बढ़ाना, देश को आगे लेके जाना, देश के लिए मरना मिटना, ये हमारी फितरत है, ये हमारे विचार है, ये हमारी विचारधारा है, हमारी आइडियोलॉजी है, हम उस पर काम करते हैं। बाकी दल ये काम नहीं करते, इसलिए वो संकोच करते हैं। इसलिए उन लोगों के हाथ में 60-60 साल तक सत्ता रही, तो कभी आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री से बाहर जाकर हाथ मिलाने की औकात नहीं बना पाए। और यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बना है, तो लोग पैर भी छूते हैं बड़े से बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑटोग्राफ भी लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश, और उनको गले मिलकर उनकी पीठ भी थपथपा के आता भारत देश। तो भाई इतना बड़ा जो काम हो रहा है ना, वो एक विचार के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारी विचारधारा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारत माता की जय है। इनकी विचारधारा भारत माता की जय नहीं, इनकी विचारधारा ये है, किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, नरेंद्र मोदी जी जो माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको सत्ता से बाहर करो, और इनसे बाहर करके हम सारे चोर एक चौकड़ी इकट्ठी करते हैं, और फिर हम लोग एक मुखिया बनाएंगे, अली बाबा 40 चोर वाला गेम हम लोग खेलेंगे, और इस देश की जनता को कैसे लुटे वो तो उसका प्रयास करते हैं। इनके पास किसी पर आइडियोलॉजी है, विचार है ही नहीं, ये क्या करेंगे एक बार बता दें, क्या करेंगे? अब काम की बिल्कुल एकदम प्रकाष्ठा पर हमारा देश चला गया है। देखो इनके हाथ में सत्ता थी, ये कुछ नहीं बना पाए। कभी इन लोगों ने कोई नई टेक्निक इस देश को नहीं दी, इस देश के लिए कोई नए हथियार ये नहीं बना पाए, इस देश के लिए कोई नई चीज़ ये लोग नहीं खड़े पर कर पाए, अंतरिक्ष में कोई नया कारनामा नहीं कर पाए, इस देश की सेना का मनोबल ये नहीं बढ़ा पाए, इस देश के लोगों का जीवन स्तर ये नहीं ऊपर उठा पाए। इन्होंने कभी कोई एक संकल्प लिया हो कि हम लोग इस देश के लिए ये एक काम करेंगे, एक संकल्प? इन्होंने कोई भी मुद्दा आज तक, जिस भी दल की बात कर रहा हूँ देश में, किसी भी दल ने कोई भी मुद्दा चुनाव में उठाया हो और आज तक एक भी मुद्दा पूरा किया हो, महिपाल डांडा राजनीति छोड़ देगा, एक मुद्दा बता दे हमने आज तक ये पूरा किया। हम तीन मुद्दे लेके सरकार में आए थे, हमने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया,
हमने कहा था हम धारा 370 तोड़ेंगे, हमने धारा 370 तोड़ी। हमने कहा हम जनसंख्या नियंत्रण समान नागरिक संहिता का कानून लेके आएंगे, अभी हम लोग लेके आ रहे हैं। हमने अगला टारगेट भी रख दिया, टारगेट ये रखा है हम दुनिया में भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे। हमने समय रखा है हम इतने समय में बनाएंगे, जब हमारा देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ बना रहा होगा यानी 2047 में हम लोग भारत को विश्वगुरु बना चुके होंगे, बना चुके होंगे। और इसलिए हमने बहुत निचले लेवल पर जाकर हम लोग काम कर रहे हैं। ये ले सकते हैं कि इतना बड़ा टारगेट ये कभी कल्पना कर सकते हैं कि हम लोगों ने ये किया? हमने ये कहा था कि 2015 में कि हम 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगुना करेंगे, हमने किया, हमने किया। अब कई लोग कह देते क्या कर दिया आप, तो गेहूँ का रेट 2000 रुपये कर दिया 4000 रुपये। अब लोग ऐसे बोलेंगे, वो नहीं बोलते बेचारे, उनसे कुछ जो शरारती लोग नहीं है बुलवाते हैं। अब एक बात बताइए कि 2013-14 में गेहूँ का रेट क्या था? 1350 रुपये। आज गेहूँ का रेट क्या है? 2125 रुपये। 60 साल में उन लोगों ने बढ़ाया 1350 रुपये, 8 साल में उन्होंने बढ़ा दिया 800 प्लस रुपया, और वो हमसे पूछ रहे क्या है? आज तक आप लोग इनसे पूछे कि तुमने कभी कोई सरसों का दाना खरीदा? MSP का दाम, सिर्फ MSP का दाम सिर्फ केंद्र की सरकार तय करती थी। कभी किसी स्टेट ने एक भी दाना सरसों का नहीं खरीदा। हमारी सरकार ने 2950 रुपये, जब 2013-14 में हमारी सरकार आई दाम था, आज हम 5500 रुपये दाम दे रहे, बताइए दुगुना है कि नहीं है? हमने बाजरा 1100 रुपये से बढ़ के बताइए 2250 रुपये किया कि नहीं किया? क्या इन सरकारों ने किसी भी फसल का MSP तय करते वक्त उन फसलों को खरीदा भी? क्या एक दाना भी नहीं खरीदा? हम आज 22 फसलों को MSP पे खरीद रहे हैं। हमने मूंग का दाल, अरड़ का दाम, हमने जौ का दाम, हमने चने का दाम, हम लोगों ने मसूर का दाम, हम लोगों ने सरसों का दाम, हम लोगों ने कपास का दाम, हम लोगों ने रागी का दाम, हम लोगों ने ज्वार का दाम, हम लोगों ने मक्का का दाम, हम लोगों ने मोटी जीरी का दाम, हम लोगों ने गेहूं का दाम, सब के दामों को दुगना किया है, बढ़ाया है। हमने जो प्रॉमिस किया हमने वो प्रॉमिस किया। इसलिए कई लोग ये भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि कहाँ बढ़ा दिया, कहाँ बढ़ा दिया। तो देखो भाई, आप, मैं फिर एक बात दोहराऊंगा कि हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को पर्ची क्या। भाई आप अपना गूगल निकाल लो, आप उसमें पूछ लो कि भाई 2013-14 में क्या दाम थे फसलों के, आज क्या दाम है फसलों के, उस वक्त कितनी फसल गवर्नमेंट खरीदती थी, आज कितनी फसल गवर्नमेंट खरीदती है। उस वक्त हम लोग जो हमारा परचेजर था, जो आड़ती जिसको हम बोलते हैं, हम लोग उसके जरिए किसान के खाते में पैसे आते थे। हमने इतना बड़ा काम किसान के हित के लिए किया कि हम लोग है ना बिचौलियों को पैसे नहीं देंगे, हम डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा डालेंगे। हिंदुस्तान की पहली हमारी सरकार है जिसने निर्णय लिया कि नहीं, हम किसानों के खाते में सीधा पैसा डालेंगे। इसलिए हमने किसानों के बैंक के खाते खोले थे, इसलिए हमने गरीबों के बैंक के खाते खोले थे। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, वह लोग हमारे को कह रहे कि ये चोर है, ये बदमाश है, ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया। कौन पता है, जिनके राज में 60 साल में 2,70,00,000 बैंक में खाते थे, सिर्फ इस देश में 2,70,00,000 बैंक के खाते थे। आप कल्पना करके देखो, आज हिंदुस्तान में 51 करोड़ बैंक के खाते हैं। इतने बैंक के खाते खोल के हम लोगों ने हर व्यक्ति का लाभ डायरेक्ट उसको मिले, ये इसलिए काम किया। ये कांग्रेसी चिल्लाते रहे, बोले मोदी जी ने कहा था 15,00,000 रुपये खाते में डालूंगा, डाल दिए। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, सब बोलते रहा, मीडिया वाले भी कहते हो भाई वो भाषण हमने भी सुना दो जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 15,00,000 रुपये हम खाते में डालेंगे। एक बार वो क्लिप तो दे दो, आप किसी की कोई भी घटना होती है तुरंत निकाल के ले आते हैं हम लोग, एक घटना वो भी हमें भी दिखा दो, मगर वो खाते में 15,00,000 नहीं, 15-15 करोड़ डालेंगे। जिसके भी सरकार की पॉलिसी के तहत जिसका जो हक बनता है उसका हक हम लोग उसके बैंक में डालेंगे। ये चोर दलालों के हाथ में हम नहीं छोड़ेंगे। पहले ये दलाल जो कांग्रेस की सरकार ने, दूसरी सरकारों ने पाल रखे थे, उन दलालों की दुकान पे इतना मोटा हरिशन का ताला मोदी जी ने लगा दिया, इसलिए सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। और सारे चोर इकट्ठे होकर एक ही काम कर रहे हैं, मोदी जी को हटाओ। मगर हिंदुस्तान की जनता हर रोज़ देख रही है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान को आज दुनिया के शिखर पर बिठाया है। एक बात बताओ, इनमें से कौन से एक नेता का नाम लेकर देख लो जिसकी इतनी हैसियत हो कि भाई वो जो बाइडन से हाथ भी मिला लें। एक घटना मुझे याद है, जब राजीव गांधी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे तो चाइना में एक समिट हुई थी। उस चाइना की समिट में राष्ट्रपति जो वहाँ के चाइना के थे तो सब देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे थे, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से भी स्वाभाविक बात, जब लाइन में खड़े थे तो हाथ मिला, तो फोटो उसके खींचे,
तो एक महीना तक द पायनर में, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, द ट्रिब्यून में, नवभारत टाइम्स में, है ना, इन सब अखबारों में एक महीने तक एक खबर चली, ये हाथ मिला चाइना के राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री का ये हाथ मिला एक महीने तक। और ये बताते 3 दिन तो राजीव गांधी ने वो हाथ भी नहीं धोया था। अब आज ये कल्पना कर लो ना कि वो तो एक चाइना के राष्ट्रपति से हाथ मिला कर इतना बड़ा काम कर रहे थे, मान रहे थे, यहाँ तो राष्ट्राध्यक्ष पैरों में झुक के प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं, यहाँ तो एक बारी दुनिया का सबसे ताकतवर देश का प्रधानमंत्री थोड़ी आगे भी निकल जाए कुर्सी क्रॉस करके, वापिस आके गले मिलता है, ऑटोग्राफ मांगता है। अरे तुम्हारे तो ऑटोग्राफ लेने देने की बात छोड़ दो, हाथ भी नहीं मिलता था इनका, इनका हाथ मिलता था वहाँ की कोई शहर की कोई मेयर उनको रिसीव करने आ जाए, मेयर से हाथ मिला तो इस शहर की मेयर देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए आई, शर्म नहीं आती थी इन लोगों को। आज हिंदुस्तान के एयर इंडिया का जहाज कब रेड कारपेट के सामने जाके खड़ा हो उस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इस 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद दिए प्रधानमंत्री के इंतज़ार में खड़ा होता है, सारी दुनिया देखती है। अरे भाई हमने तो हर क्षेत्र में प्रगति की है, किस क्षेत्र में प्रगति नहीं की एक बार बोल के तो दिखाएं, बता के तो दिखाएं। हमने चाहे देश के स्तर पर हो, चाहे इंटरनेशनल स्तर पर हो, चाहे प्रदेश के स्तर पर हो, चाहे वार्ड के और चाहे गाँव के स्तर पर हो, हमने कोई काम करने में कसर नहीं छोड़ी। हाँ एक बात ज़रूर है कि कुछ टेक्निकल कमियों के कारण हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखिए लोग तो उतने चोर हैं जो भाग जाएंगे, जो जवाब नहीं देंगे या डर जाएंगे, मैं उस फितरत का नहीं हूँ। देखो भाई देश में पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि हम लोग सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। जितने ज़मीन के विवाद हैं ज़मीन के विवादों को कैसे सुलटाएं, हम लोग गरीब से गरीब आदमी को जो उसकी सुविधा का लाभ मिलता है सुविधा का लाभ को हम लोग कैसे लें, तो उसके लिए हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन करने का प्रयास किया। ऑनलाइन जब हम लोग करते हैं तो एक तो हम लोगों को छोटा काम करना होता है तो तब भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब 1.5 करोड़ लोगों को इस प्रदेश के उनको ऑनलाइन करना है, उनको चढ़ाना है, उनकी ज़मीन जायदाद से लेकर उनके हर काम को लेकर अगर चढ़ाना है ऑनलाइन करना है तो उसमें कई जगह कई बार चूक भी हो जाती है। उन चूकों को ठीक करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए जहाँ पर कोई चूक हुई है, क्योंकि ये काम पहली बार हो रहा है देश में, पहली बार होता है तो हम मानते हैं कि बहुत सारी जगह पे चूक होती हैं, हम उन चूकों को ठीक करने लग रहे हैं। बहुत जल्दी वो सारी की सारी जब चूकें ठीक हो जाएंगी, निश्चित तौर पर आपके घर बैठे अपने मोबाइल से आप अपने राजकाज का आनंद लेंगे। इतना साफ सुथरा प्रशासन हम लोग आपको देने लग रहे हैं और दे भी रहे हैं। जो लोगों को इसमें कहीं त्रुटि होगी या गलती होगी उसको तो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बट जिनका ठीक हो रहा है वो इस मामले में बिल्कुल शांत भी है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जिसमें हमारी कुछ कमी रही है, हम उन कमियों को पूरा करेंगे, हम उससे भागेंगे नहीं, हम उनसे मुँह नहीं चुराएंगे, हम उसका सामना करके उस चुनौती को स्वीकार करके उन चुनौतियों से भी निपटेंगे। ये हमारा काम बिल्कुल इंटरव्यू लंबा है लेकिन हर चीज़ हर पॉइंट जो है आपके फ़ायदे की है, आपके कायदे की है, सवाल बहुत हैं और जवाब भी बहुत हैं। और किसी समय और किसी इंटरव्यू में हम लोग दोबारा महिपाल जी के साथ मिलेंगे। चुनावी मौसम में अब लगातार 2200 पानीपत पर महिपाल रहेंगे हमारे साथ, तो आपको लगता है कि इंटरव्यू में कुछ गलत है तो भी कमेंट करें, और इंटरव्यू आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट जरूर करें। 2200 पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।